नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर की बड़ी खबर को देखेंगे। छतरपुर एसपी कार्यालय के बाहर हुए कन्हैयालाल आत्मदाह कांड में अब आरोपी अमन दुबे के परिवार के लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन हासिल कर पुलिस अधीक्षक और छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए अमन दुबे के परिवार के लोगों ने बताया कि इस मामले में अमन दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जेल जा चुका है, लेकिन अब उनके पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर कन्हैयालाल अग्रवाल ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में जो शुरुआती तथ्य निकल कर आए थे, वो उनके मुताबिक कन्हैयालाल अग्रवाल को अमन दुबे नामक युवक के द्वारा चोरी के संदेह में प्रताड़ित किया जा रहा था और पुलिस उसको न्याय नहीं दिला पा रही थी, जिसके चलते उसने आत्मदाह किया था। इस मामले में अमन दुबे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और वो अब जेल भी जा चुका है। बीते रोज कन्हैयालाल अग्रवाल के परिवार के लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था मुख्यमंत्री के नाम और इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका चिन्हित करने की मांग की थी। कुल मिलाकर पीड़ित परिवार और शहर के कुछ लोग इस ज्ञापन के माध्यम से अमन दुबे के परिवार के अन्य सदस्यों की भी भूमिका इसमें बता रहे थे और पुलिस से अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। आज अमन दुबे के परिवार के लोगों ने बताया कि उनके पूरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस पूरे कांड में उनके एक परिवार के सदस्य अमन दुबे की जो भी भूमिका थी वो जेल जा चुका है। अब पूरे परिवार को निर्दोष ना फंसाया जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचे अमन दुबे के परिवार के कई लोगों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी मौजूद रही। सर, जो अभी एसपी ऑफिस के सामने जो कन्हैयालाल ने आत्मदाह कर लिया था, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है, क्योंकि अमन जो दोषी था उस समय उसी दिन हम लोगों ने उसको फेस कर दिया था। उसके बाद पूरे सब लोग मिलकर के मतलब हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि परिवार को फंसा रहे हैं, कि मतलब इन लोगों का भी इसमें हाथ है। आप लोग, हम ये प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस चीज़ की एक निष्पक्ष से जांच होनी चाहिए, जो दोषी आप उसको सजा दीजिए। मामला ये था, आप लोगों को सबको पता है कि कन्हैयालाल अग्रवाल जो एसपी ऑफिस के सामने जिसने सुसाइड किया है, बर्निंग का केस था जलने का, तो उसी के केस में पूरे परिवार को बताया गया, उसी के विरुद्ध हम लोग ने ज्ञापन दिया। चाहते जी हैं कि जो उनको परिवार को जो सरकार की तरफ से या प्रशासन की ओर से जो भी ये मतलब दिया जा रहा है कागजी कार्रवाई, वो जब तक जांच नहीं हो जा रही है जब तक वो मानसिक रूप से ना। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार, छतरपुर की तमाम खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि आपको समय समय पर छतरपुर की तमाम खबरें मिलती रहें। नमस्कार। अब आपके शहर छतरपुर में भी सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला भारत का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान पैरामाउंट कोचिंग, अ सेगमेंट ऑफ पैरामाउंट लीग। पढ़े उनसे जहां से टॉपर्स पढ़े। अवार्डेड द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर बैंक पीओ एंड एसएससी इन नॉर्थ इंडिया। एमपीपीएससी, एसएससी, एमपीएसआई, रेलवे, व्यापम और एमपी कांस्टेबल के अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही नाम, पैरामाउंट कोचिंग। Myself वर्षा राय, आई एम सिलेक्टेड फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी। मेरी पूरी प्रिपरेशन हिमांशु सर, यस सर और पचौरी सर के गाइडेंस में रही है, जो पैरामाउंट में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास है पहाड़ों सा अटल इरादा, सबसे बेहतर सबसे ज्यादा। पूरे भारतवर्ष में 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस, अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं, सभी विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ, एग्जामिनेशन पैटर्न पर टेस्ट सीरीज, ओएमआर शीट की कंप्यूटराइज जांच और रैंक वाइज रिजल्ट की घोषणा, अपडेटेड अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। हर सप्ताह www.paramountcoaching.in से टेस्ट सीरीज और आंसर विद एक्सप्लेनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें। बिगनर्स बैच ऑफ मैथ एंड इंग्लिश फॉर वीक स्टूडेंट और स्पेशल वीकेंड बैचेस फॉर वर्किंग पीपल। तो इतनी सारी खूबियां आप सिर्फ पाएंगे पैरामाउंट कोचिंग में ही। आज ही संपर्क करें, फर्स्ट फ्लोर पुराना पन्ना नाका, सिंचाई कॉलोनी रोड, छतरपुर।